ज्यादा मत सोच, मारे को पता है थारे को पुलुसिया बेटा और बहू की चिंता सता रही है। तू एक काम कर, नहा धोकर माता रानी के मंदिर में अखंड जोत जला दे, थारे मन को शांति मिलेगी। जी अम्मा साहब। अरे भगवान सुनिए तो। तू जा, मैं इसे संभालती हूँ। ए छोरे, खबरदार जो हमारी बिंदनी को सताया तो पहले नहा धोकर आ, फिर उससे बात करना। जो हुक्म। अरे पहले मारे को ये बात बताओ कि तुमको भांग किसने पिलाई? हम तो ठंडाई बना कर लेके गए थे, फिर ये कहां से आई? भांग? नहीं अम्मा सा, कोई भांग नहीं थी। जी अम्मा सा, कोई भांग नहीं थी। ए छोरे, थारे को क्या लगता है हमारे ये बाल धूप में सफेद हुए? मैं तो बिंदनियों की चाल देख कर ही समझ गई थी कि इन्होंने भांग पी है। बताओ किसने की है ये सैतानी? वो कार्तिक। अरे कार्तिक क्या? अम्मा साहब, हमने कुछ नहीं किया था, ये ना आरती की शरारत होगी। आरती? जी अम्मा साहब, आरती। आरती, ठीक है, उसकी खबर लेनी पड़ेगी। तुम जरा बिंदनियों को देखो, मैं इनके लिए नींबू पानी लेकर आती हूँ। आज तो अम्मा साहब से बच गए, आगे से ध्यान रखना पड़ेगा। अजी बिट्टू जी, बोले तारा रा। अजी सुबह से तारा रा रा ही बोले तारा रा रा। लो नींबू पानी पियो, नशा उतर जाएगा। लो तुम भी लो। ये भांग है? अरे भांग नहीं है, नींबू पानी है। चुप रहो। अजी बोलो तारा रा रा। अरे चुप। बढ़िया ही तारा रा 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 करने वाली। ये लो पियो इसे। तुम प्यार से पिलाओ, नहीं तो मैं नहीं पीऊंगी। ओके okay, चलो मैं कमरे में जाके तुम्हें प्यार से पिलाऊं। अपने अपने कमरे में। आदि जाओ, आदि आओ। माता ने मुझे माफ कर दिया। हाँ, मासा ने माफ कर दिया। माता ने मुझे माफ कर दिया। वेरी गुड, माफ कर दिया। सा, हमारा हाथ पकड़िए ना। हाँ पकड़ लिया भाई। सा, जब आप हमारा हाथ पकड़ते हमें बहुत अच्छा लगता है। हाँ चलो। अजी से कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल है निम्मी देवी को। अजी चलो निम्मी देवी जी चलो। उधर कहाँ चली? अपने कमरे में जाओ। ये रूम में इतना अंधेरा क्यों? और ये
इतनी सारी कैंडल? लवली, ये सब इसलिए क्योंकि मैं आज बहुत खुश हूँ। आज मासा ने तुम्हें माफ कर दिया, इसलिए मैंने तुम्हें जो सजा दी थी उसे वापस लेने का वक्त आ गया है। सजा? मुझे तो कुछ भी याद नहीं है, मैं तो बहुत खुश हूँ। लवली, तुम कैसे भूल सकती हो? मैंने तुम्हें खुद से दूर रहने की सजा दी थी, उसे खत्म करने का वक्त आ गया है। मासा ने भी तुम्हें माफ कर दिया, इसलिए आज मुझे तुम्हारे करीब आने से कोई भी नहीं रोक सकता। लेकिन मुझे कुछ भी याद नहीं। नबी,
सर 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 अंदर पुलबेट चालू है सर। सर मैडम ने और आतंकवादी को अंदर मार गिराया सर। सर जल्दी चलिए सर फास्ट। इतनी परेशान क्यों हो रही है? सर, हमें सिमरन और शिबू की बहुत चिंता हो रही है। पता नहीं क्यों अभी तक घर नहीं लौटे। कमाल करती हैं। अरे भाई छुट्टी मिली है इतने दिनों के काम के बाद, कहीं रुक गए होंगे होली मनाने? सर, आपको तो हमेशा मजाक ही सोचता रहता है। हमें तो तब तक चैन नहीं पड़ेगा जब तक वो दोनों घर पर नहीं आ जाएंगे। आ जाएंगे भाई। बिल्कुल आएंगे, उन्हें आना ही पड़ेगा। मारे को तो अपने पुलिसिया बेटे और बहू के साथ होली खेलनी है। ये देखो ना, मैंने पहले से रंग अलग निकाल के रख लिए। ये हुई ना बात अम्मा साहब, अब आप ही समझाइए अपने बींदी को, हमारी तो ये कुछ सुनती नहीं है। थारे बच्चों को कुछ नहीं होगा, तूने उनकी रक्षा के लिए अखंड ज्योत जलाई है ना, वो जरूर उसकी रक्षा करेंगे। भगवान सिमरन की रक्षा करना। सर आप फिक्र मत करिए, मैडम को कुछ नहीं होगा, वो वहां से बच के निकल आएंगी। झांसी की रानी है वो, हार नहीं सकती किसी से। तुम ठीक कहते हो, सिमरन बहुत बहादुर है। सभी लोग एकदम अलर्ट रहना, हम लोग धीरे धीरे आगे मूव करेंगे। Yeah.
शकुन होता है ना। नहीं नहीं बिंदनी, ये तो सिर्फ तेज हवाएं हैं, दिमाग में गलत धारणा मत पाल, कुछ नहीं होगा थारे बच्चों को। दादी सा, मम्मी पापा नहीं आए। अनु बेटा आ जाएंगे, चलो अंदर चलो। माँ सा अखबार पढ़ा है। अनु बेटा अखबार ले आओ। चल गया ना विद्येश्वरी, चिंता मत करो, भोले बाबा उनकी रक्षा करेंगे। पता नहीं क्यों हमारा हमारा मन बहुत घबरा रहा। सत्तो बेटा तू इसे अंदर ले जा। भोले बाबा आप अपनी कृपा और अपना आशीर्वाद हमारे बच्चों के साथ हमेशा रखना, हमारे मन के डर को गलत साबित कर दीजिए, ताकि आपके प्रति हमारी जो आस्था है वो हमेशा बनी रहे। कृपा कर। इतने दिनों के बाद माँ के हाथ का बना हुआ खाना खाएंगे तो मेरे सिमरन शिबू खुश हो जाएंगे। मम्मी पापा आ गए होंगे। मम्मी पापा, अरे अनु बेटा कहाँ भागा जा रहा है? मम्मी पापा आ गए होंगे ना इसलिए मिलने। देखा दादी साहब, मम्मी पापा आ गए होंगे। मम्मी पापा आ गए होंगे। लगता है सिमरन शिबू आ गए। हम अभी बर्तन लेकर आते हैं। पता नहीं सिमरन शिबू कहाँ रह गए, बहुत देर लगा दी आने में। दादी सा, मम्मी पापा नहीं आए। अनु बेटा आ जाएंगे, चलो अंदर चलो। आओ। मासा अखबार पढ़ा है। अनु बेटा अखबार ले आओ।